चलिए आज हम बनाते हैं हेयर बैंड। और जिस तरह से मैंने डांडिया पे कपड़े को कवर अप कर दिया था, सेम मैंने उसी तरह से हेयर बैंड पे भी कपड़े को पूरा कवर अप कर दिया। उसके बाद मैंने एक डोरी ली है, उसकी चमकीली डोरी है, जो कि गोटा है, पतला गोटा होता है। उसमें मैंने थोड़े थोड़े स्पेस पे ना मैंने बीट इंसर्ट कर दी है। उससे हम इसको राउंड एंड राउंड शेप में टर्न करेंगे, जिससे कि हमारी जो ये बहुत ही सुंदर लगेगा। तो मैं इसी तरह से इसको राउंड एंड राउंड शेप में कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। और वन बाय वन बीट को आप ऐसे अटैच करते हैं, अटैच करने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ उसको राउंड एंड राउंड शेप में घुमाते जाना है। मैंने टू टू बार तो मैं ऐसे ही इसको नॉर्मल लूँगी, फिर बीट्स को अटैच कर दूँगी। बीट टू बार तो मैं ऐसे ही राउंड करूँगी, उसके बाद मैं जो मैंने बीट्स लिए है उसको मैं यहाँ पे टाई कर दूँगी। ये मैंने बीट्स टाई कर दूँगी। ठीक, इसी तरह से हमको पूरे पूरे इसमें कवर अप करना है। तो मैं आपके सामने ही करती हूँ। थोड़ा फिनिशिंग से कीजिएगा ताकि उसका जो लुक आए वो अच्छे से आए। फिर मैंने बीट ले लिए, फिर मैं गोटे को राउंड एंड राउंड सीख दूंगी टू टाइम। फिर मैंने बीट्स ले डाल दिए इसमें। फिर मैं गोटा ले लूँगी, वापस से गोटा आएगा, फिर बेट्स आएगी, फिर से गोटा ही आएगा। और इसी तरह से इसको पूरा कवर अप करना है। फिर बीट्स, मैंने वाइट्स लिए, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी लेना चाहते हैं उस हिसाब से ले सकते हैं, जो आपको पसंद हो, जो कलर आपका फेवरेट हो आप वो ले सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने इसी तरह से पूरा मैसी इसको ऐसे ही कवर कर रही हूँ। फिर मैं बीट्स ले रही हूँ, बहुत इजी। सिर्फ मैंने पहले एक कपड़ा उस पर लपेट दिया है और उसके बाद मैंने एक गोटा ले लिया और उसमें थोड़े मोती इंसर्ट कर दिए, और कुछ नहीं करना, उसको ऐसे घुमाते जाना है। मैंने सबसे पहले उसको नॉट लगा दिया था। यहाँ पे हम बीट ले लेंगे। मैं आपसे बातें करते करते भूल भी जाती हूँ, क्योंकि मैं एक ही साथ दो ही काम करती हूँ। मुझको वो आपको बताना होता है, सेम पोजिशन में मुझे काम करना भी होता है। तो अब मैं यहाँ पे लास्ट टी मोती इंसर्ट करूँ। इसके बाद सिर्फ दो राउंड और करूँगी मैं उसको, और मैं यहाँ पे नॉट लगा दूँगी। आप यहाँ पे सुई धागे का प्रयोग भी कर सकते हैं, और हो सके तो आप इसका ग्लू का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो मैं, आपने अधिकतर मुझे देखा होगा, मैं ग्लू का प्रयोग बहुत कम करती हूँ और मैं सुई धागे का प्रयोग ज़्यादा करती हूँ। तो मैं यहाँ पे नॉट लगा रही हूँ, धागे से इसको अटैच कर रही हूँ मैं। तो मैंने इसको नॉट लगा दिया है और अब देख सकते हैं मेरा ये बन के तैयार है हेयर बैंड। तो मैंने सेम इसी कपड़े का और गोटे का प्रयोग करके डांडिया बनाया था, सेम इसी का प्रयोग करके मैंने हेयर बैंड रेडी कर दिया है। आपको कैसा लगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।